इस दिल्ली की इस पावन धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित माता बहनें एवं सभी साथियों, प्यारे बच्चों, आज का जो आयोजकों ने यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा उसका विषय था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एवं 70 साल की आजादी में हमारे समाज को क्या मिला? साथियों, मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत ने इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा की है। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत का मुख्य उद्देश्य है वाल्मीकि समाज के विकास को मुख्य धारा से जोड़ने का काम मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, यहां तक कि बौद्धिक स्तर वाले शिक्षाविद, प्रोफेसर, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग इस महापंचायत से जुड़ चुके हैं। अब हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, मैं मानता भी हूं कि शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है, कुछ लोग अच्छे पदों पर पहुंचे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो जाति का प्रमाण पत्र दिया, आपके लिए शिक्षा के सारे खिड़की दरवाजे खोले, उनमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप अच्छे पदों पर पहुंचे हैं, तो समाज को कुछ वापस करना। क्या वापस करना? टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, तीनों चीजें समाज को वापस करना, तब कहीं जाकर समाज का भला होगा, अन्यथा एक ही परिवार का भला होकर रह जाएगा। साथियों, ये काम मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत के सारे पदाधिकारी बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आरक्षण, तो आरक्षण हमें मिला है। मध्य प्रदेश में 48 जातियां हैं, एक विशेष वर्ग को ही आरक्षण का लाभ हुआ है। हम आखिर क्यों पिछड़े हैं आरक्षण से? हमें अभी तक लाभ क्यों नहीं मिला? और हम महापंचायत क्या करना चाहती है इस आरक्षण के विषय में? हमें शासन से, राज्य सरकारों से, केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत ये आह्वान करना चाहती है कि हमें प्रत्यक्ष से आरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए? इसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक गांव की उदाहरण है कि गांव में या शहर में जब भी किसी के पास शादी होती है तो उसमें एक भथौर बनती है जिसमें सारा खाना वहां रखा जाता है। उस भथौर में से जब खाना बाहर निकलता है तो सबसे पहले जो 48 जातियों के लोग हैं वो बैठे हैं, हमारा नंबर आखिरी में आता है। तो लड्डू जब बतौर से निकला तो तस्सल में उतने ही लड्डू आए और हमारे यहां पहुंचते पहुंचते हमारी पत्तल पर कुछ छार छोर मिली। पूरा लड्डू हमें आज तक पत्तल पर नहीं आया, यहां तक कि हमारी पत्तल तो सूनी ही पड़ी है। आरक्षण के नाम पर हमें आज तक कुछ नहीं मिला है। इसलिए हमें प्रत्यक्ष से आरक्षण की आवश्यकता है। हमें पटेलों जैसा आंदोलन नहीं करना, हमें कोई रेल की पटरियां नहीं उखाड़ना, हमें आगजनी नहीं करना। हमारे पास एक बहुत सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है, वो है झाड़ू। हम यदि
इन सरकारों को आह्वान करने के बाद भी हमारी नहीं सुनते हैं तो हम उनको चेतावनी देंगे कि यदि आपने हमारा प्रत्यक्ष आरक्षण नहीं दिया तो हम सिर्फ 10 दिन के अंदर अपना राशन पानी लेकर घर के अंदर से कुंडी लगाकर बंद हो जाएंगे और टीवी देखेंगे, घर के अंदर खाना खाएंगे। तो सोचो इस देश में क्या होगा। इस देश के अंदर वो महामारी आ जाएगी, विदेश से डॉक्टर भी आएंगे तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। तब कहेंगे, हमारी कुंडी खटखटाएंगे, भाई निकलो बाहर, क्या चाहिए तुम्हें, सब कुछ मिलेगा। तो साथियों, हमको ये सब कुछ करना है तो शिक्षित बनो और संगठित रहो। बिना शिक्षा के कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, यहां पर संकल्पित होकर जाएं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, तब कहीं जाकर समाज का विकास होगा, समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। बाबा साहब 18 घंटे पढ़ते थे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को 10 से 12 घंटे पढ़ा लो तो डॉक्टर और इंजीनियर बनाने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो एक बार पिले उसे आगे बढ़ने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और वो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध कहां मिलेगा? किसी चिड़ियाघर में नहीं मिलेगा, कहीं जंगल में नहीं मिलेगा। ये शेरनी का शिक्षा रूपी दूध हमें अपने गुरुओं के पास मिलेगा, पाठशाला में मिलेगा, जो बाबा साहब ने सदियों से जो बंद थे खिड़की दरवाजे, सारे खिड़की दरवाजे तोड़ दिए हैं। या तो हमें प्रत्यक्ष से आरक्षण दो, अन्यथा हमारा पूरा पैक्ट बहाल करो। ये हमारी प्रमुख मांगे रहेंगी इस देश के अंदर से। सफाई ठेके का जड़ से खात्मा होना चाहिए। जिस प्रकार से पहले भर्ती हुआ करती थी उसी प्रकार से हमारी भर्तियां होना चाहिए। और वैसे तो मैं कहना चाहता हूं कि झाड़ू छोड़ो और कलम को पकड़ो और अपना विकास स्वयं बनो, स्वयं करो। अब तो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। साथियों, एक अब रहा संगठित होने की बात, तो एक बार मैं मई के महीने में दिल्ली आया हुआ था। मैं एक अंगूर वाले के ठेले पर पहुंचा, मैंने जो गुच्छे लगे हुए थे अंगूरों के, तो अंगूर के ठेले वाले से मैंने पूछा, फलों वालों से पूछा कि भाई ये अंगूर क्या भाव दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 100 रुपए किलो अंगूर है और जो टूटे हुए नीचे पड़े हुए हैं, ढेर बना हुआ है, ये क्या भाव है, कि ये तो 40 रुपए किलो है। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये 40 रुपए किलो है और ये 100 रुपए किलो है, आखिर इनमें अंतर क्या है, ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है। तो उन्होंने कहा बड़ी साफ सुथरी भाषा में कि भाई ये अंगूरों का गुच्छा है, गुच्छा में जो लगा रहेगा उसकी कीमत ज्यादा होगी और जो गुच्छे से टूटकर नीचे गिर जाएगा उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अंगूर के गुच्छे की तरह बने रहो, अपनी ताकत बनाए रखो और संगठित रहो। संगठित होने के बाद ही हम संघर्ष करेंगे। साथियों, अब सुनने के लिए कोई नहीं बचा। आरक्षण के विषय में मैं एक बार बात और कहूंगा, जैसे भाई प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया था कि क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं, आप लोग जानते हो कि 11 होते हैं, लेकिन एक और होता है एक्स्ट्रा, वो हम जो है आरक्षण की अनुसूची में एक्स्ट्रा खिलाड़ी है, जो कि आज तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। वही लड्डू की छार की जो मिली है उससे हमारे इक्का दुक्का कलेक्टर वगैरह बन गए हैं, एसपी बन गए हैं, मुझ जैसा मास्टर बन गया है आरक्षण के वजह से। तो साथियों, हमारे समाज का इस देश विकास में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इसका देश, हमारे भारत देश का संविधान भी हमारे ही बीच के बाबा साहब ने लिखा
और बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का काम किसने किया? बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का काम पश्चिम बंगाल के जोगीनाथ मंडल ने, जिन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर बाबा साहब को चुनाव जिताकर संविधान सभा में भेजने का काम किया, तब कहीं जाकर बाबा साहब को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारा कहीं ना कहीं इस देश विकास में योगदान रहा है, फिर आज हमारी पूछ परख क्यों नहीं है? हमें वही व्यवस्था में, वही पुरानी व्यवस्था में क्यों रखना चाहते हैं? वही झाड़ूवादी व्यवस्था में क्यों रखना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि अपना एक बहुत बड़ा तबका एक सफाई पेशे से जुड़ा हुआ है, उससे भी हटकर हमारा समाज है, उनसे सीखो। हमें व्यापार पे कब्जा करना होगा, हमें फलों का ठेला लगाना होगा, हमें मूंगफलियां बेचना होंगे, और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सफाई जो पीड़ा जो सवेरे 4 बजे उठकर हम नाली और झाड़ू मोरी करने के लिए जाते हैं, उस पीड़ा से जो आज हम गुजर रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को इस पीढ़ी से गुजरने नहीं दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब अपने समाज में गए कि मैं अब समाज में काम करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि अपना पैतृक कार्य छोड़ दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज ने बाबा साहब की बात को नहीं माना। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को मानते हो तो, लेकिन बाबा साहब की बात को भी मानना शुरू कर दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। जब बाबा साहब की बात को हमने नहीं माना, तो बाबा साहब एक विशेष वर्ग में गए, जाटवों में गए, उन्होंने कहा कि तुम अपना पैतृक कार्य छोड़ो, जब मरे हुए पशु उठाना छोड़ो, उनकी खाल निकालना छोड़ो, बंद करो ये सब, तुम्हारा भला हो जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए स्कूल के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं, उनमें जाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ। तो गांव से जब ये विशेष वर्ग पलायन किया शहरों की ओर आए, जब वो 3 मंजिल पर जो है ईंट रखकर 3 मंजिल चढ़ता था, बेलदारी करता था, जब उसके सिर में दर्द होता था, सिर में पीड़ा होती थी, जब भी वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं आज जो पीड़ा से गुजर रहा हूं, बेलदारी की पीड़ा से गुजर रहा हूं, लेकिन अपने बच्चों को इस पीड़ा से गुजरने नहीं दूंगा, इसलिए आज उनके डॉक्टर, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, जज, वकील भारी मात्रा में मिल जाएंगे। हमारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। काश उस वक्त हम बाबा साहब की बात मान लेते कि हम अपना पैतृक कार्य छोड़ते हैं, अन्य काम को हम स्वीकार करेंगे, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। तो मैं आज भी ये कहना चाहता हूं कि अपने पैतृक कार्य को छोड़ो, तुम्हारा भला हो जाएगा, झाड़ू छोड़ो और कलम उठाओ, आगे बढ़ो। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि।